हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नमस्कार हेडलाइन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विशाल सिंह, एंड आज मैं फिर से लौट आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज मैं फिर से एक अनबॉक्सिंग करूंगा, और आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा एक कैमरा का। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब बनाया है, और मतलब जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो जी हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि उस कैमरा का पिक्चर क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे, उसका बैटरी बैकअप पे बात करेंगे, क्या क्या क्वालिटी है उस कैमरा में, और कितने बजट में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कंपेयर करेंगे। सो गाइस, एवरीथिंग जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ में है ये कैमरा। ये काफ़ी अच्छा, ये आपको देखने में ये लुक लग रहा है इस कैमरा का, और काफ़ी अच्छा बॉक्स से वो उन्होंने पैकिंग किया है। तो ये है आपका कैनन IXUX190 का ये कैमरा है। कैनन का कंपनी काफ़ी अच्छा होता है कैमरा के मामले में, आप सबको पता ही है। और अभी हम लोग देखेंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या उन्होंने दिया है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें वाईफाई भी है। आप अगर आपको फ़ोटो शेयर करना है तो आपको मतलब वो डाटा केबल या फिर बार बार मेमोरी निकालने की का झमेला नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा इस वाईफाई के थ्रू अपने फ़ोन में आप डायरेक्टली कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो जिस अगर कैमरा की लेंस की बात करें तो यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का हमको कैमरा यहाँ मिल रहा है। 6.88 सेंटीमीटर का हमको LCD मिल रहा है, इसका जो डिस्प्ले है वो मिल रहा है। उसके बाद आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे 2 ईयर्स की वारंटी ये दे रहे हैं। 2 साल की वारंटी बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी दे रहे हैं। उसके अलावा और भी हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने पैकेजिंग यहाँ पे पैक किया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे और बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो शायद हमको अंदर देखने को मिलेगा, ऊपर में तो फिलहाल इतना ही कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इसको अभी हम ओपन करके देखते हैं कि अंदर में हमको क्या क्या मिलता है। सो गाइस, सबसे पहले बॉक्स को मैं खोल देता हूँ। ये आपका बॉक्स जो है ये ओपन हो गया, ये बॉक्स। उसके बाद इसको मैं साइड कर देता हूँ, और ये आपका बिल है। वैसे तो मैंने ऑफलाइन लिया था, इस वजह से मुझे ये मतलब बिल मिला। मैं आपको सब डिटेल्स अभी दूंगा ऑफलाइन में क्या पड़ा नहीं पड़ा। ये आपका जो है, देखिए ये 2 ईयर्स का जो है वारंटी कार्ड है, जो 2 साल का वारंटी हम लोगों को मिल रहा है वो 2 ईयर्स का वारंटी कार्ड मेरे पास अवेलेबल है। और ये उसका बिल है, तो बिल का कुछ इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद ये जो है कुछ पेपर्स उन्होंने दिया है इंस्ट्रक्शन के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा का यूज़ के बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसको ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको भी मैं रख देता हूँ फिलहाल साइड में। और ये है आपका कैमरा का कवर है, आप यहाँ पे इस पर कैमरा रख सकते हैं आपका कैमरा का प्रोटेक्शन के लिए। ये कवर तो आपको मिलेगा ही वहाँ से, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कवर, ब्लैक कलर में ये कवर आपको मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये है आपका, आई थिंक ये चार्जर है। जी हाँ, ये है आपका चार्जर, आप इससे बैटरी चार्ज कर सकते हैं कैमरा का, तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद क्या क्या है आगे हम लोग देखते हैं। ये है आपका USB, अगर आप जैसे कि कैमरा से अगर आप फ़ोटोज़ या वीडियोस को अपने PC में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप अपने PC में ईजिली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी आपको अवेलेबल है, ये भी मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद है ये फाइनली आपका बैटरी है, इस पर आप मतलब बैटरी का चार्जर है, आप इसके थ्रू आप अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे बैटरी लगा के। और ये जो है आप इसमें आप कनेक्ट करके और आप ईज़िली इसको चार्ज कर पाएंगे, तो इससे आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ पे आपको लाइट दिया हुआ है, इसके लिए कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जब ड्यूरिंग चार्ज जब करेंगे उस टाइम में आपको दूसरे कलर की यहाँ पे लाइट जो है वो जलेगी, अगर आपका बैटरी फुल हो जाता है तो यहाँ पे दूसरा लाइट जल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बैटरी जो है वो फुल हो चुका है। तो ये भी यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ फ़िलहाल साइड कर देता हूँ। उसके बाद जो है ये है आपका बैटरी, ये आपका बैटरी है, आप इसको आराम से इजीली इसमें लगा के चार्ज कर सकते हैं। सो जैसे कि ये आपका ये रहा, यहाँ पे बैटरी लग गया और ये आपका प्लग यहाँ पे लगा के आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी मैं फ़िलहाल रख देता हूँ साइड में।
अब देखता हूँ अंदर में और हमको क्या क्या मिलता है। उसके बाद ये देखिए, ये आई थिंक ये मेमोरी कार्ड है। जी हाँ, ये है मेमोरी कार्ड। मैं देख लेता हूँ कितना जीबी का उन्होंने मेमोरी कार्ड यहाँ पे दिया है। तो ये 16 GB मेमोरी कार्ड आपको इन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आप अगर ज़्यादा भी यूज़ करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा आप ख़रीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ से आपको 16 GB का ये मेमोरी कार्ड मिल रहा है, आप कैमरा में लगा सकते हैं सब कुछ। मैं आपको सेट करके, मैं इसका पिक्चर लेके भी, पिक्चर क्वालिटी सब कुछ मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ये है आपका फाइनली कैमरा। अब देख सकते कितना अच्छा है यहाँ पे बॉक्स में, जो यहाँ पे ये इसमें करके उन्होंने कैमरा को दिया है। काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी तक मैंने किसी भी कैमरा का ऐसा वो नहीं देखा था कि यहाँ पे आपको इसमें कैमरा डाल के वो लोग दे रहे हैं। उसके बाद ये है आपका फाइनली कैमरा गाइज, ये आपका फाइनली कैमरा है। कैमरा का जो लुक भी है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। आपका इसका जूम भी देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 10x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है आपको। तो काफ़ी अच्छा जूम है इस बजट में, तो सब कुछ अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसका बैटरी और मेमोरी कार्ड मैं इसमें सेट कर देता हूँ, जिससे मैं इसका पिक्चर और कैमरा को ऑन कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें बैटरी लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है, ये बैटरी का जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे इजीली बैटरी इसको खोल के लगा सकते हैं। ये आपको ये बैटरी के लिए ओपन हो गया। अब मैं इसमें बैटरी लगा देता हूँ। लग जा भाई, लग जा। ये बैटरी ये शायद उल्टा लग गया, मैं इसको दोबारा से लगा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शायद ऐसे लगेगा बैटरी, तो बैटरी यहाँ पे आपका इजीली बैटरी लग जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बैटरी शायद पता नहीं एडजस्ट क्यों नहीं होता, बट हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बैटरी आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये आपका बैटरी लग गया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा लेता हूँ। ये मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड भी काफ़ी 16 GB है। आप काफ़ी पिक क्लिक कर सकते हैं इसके लिए, आप आराम से मिनिमम 1000 से 2000 पिक जो है आपको अट जाएगा इसमें, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। ये लग गया बैटरी, और देख सकते हैं गाइस जैसे कि ये कैमरा ऑन हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इस कैमरा का जो जूम कितना है, कैसा पिक्स है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो गाइस, ये है आपका कैमरा, आप यहाँ से इजीली पिक क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका पिक मैं आपको ये लेके अभी दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस आप लोग देख रहे हैं, आप इसको जूम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये गाइस, ये इसका पिक है। मैं आपको वीडियोस जो है वो वीडियो भी मैं दिखा दूंगा कि वीडियो क्वालिटी क्या है सब कुछ। सो गाइस डोंट वरी, सो गाइज अगर इसकी यूज़ की बात करें तो काफ़ी सिंपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो जैसे कि ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन आपको कैमरा में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, आप इसे कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो है आपका जूम इन जूम आउट का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसके थ्रू आप जूम इन जूम आउट कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे देखें तो अगर आप पिक्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्ले करके प्ले बटन मिलेगा, आप इसके थ्रू आप लिया हुआ पिक्स को देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो है आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, रेड कलर का डॉट दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ इसके थ्रू आप कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसके थ्रू आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको वाईफाई का सिंबल दिया हुआ है, इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि वाईफाई के थ्रू आप फ़ोन से अपने कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि आपको वाईफाई से अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैनन कैमरा कनेक्ट करके एक ऐप आपको अवेलेबल है प्ले स्टोर में, सबसे पहले आपको उसको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके थ्रू आप इजीली कैमरा का वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप कैमरा के थ्रू आप फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन्यू का बटन दिया हुआ है, आप लाइट बढ़ा सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। तो आई थिंक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कैमरा का यूज़ कैसे करना है। और अब मैं आपको इसकी पिक्स जो है वो लेके दिखाता हूँ, उसका वीडियो लेके दिखाता हूँ और दिखाऊंगा कि कितना इसमें जूम है, कितना तक जूम हम लोग कर सकते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं आप, वो दूर में आपको एक टावर दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि ये कैमरा जो है वो कितना रेंज तक इसको जूम इन कर सकता है। सो गाइस चलिए देखते हैं कि कैमरा में वो कितना सामने तक वो जूम कर पाता है। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये जूम हो रहा है, आप उसको इतना सामने तक आप लाके आप जूम कर सकते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कितना सामने जो है वो सामने तक ये जो है वो जूम हो गया। अब इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो जूम का काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको जूम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं वो बॉक्स है आपका टावर के ऊपर, जो बॉक्स लगा हुआ है वो काफ़ी दूर में है और ये जूम करके कितना पास तक आप इसको ला सकते हैं गाइस। तो काफ़ी जूम का जो इसमें काफ़ी अच्छा जूम है, अब बहुत ही अच्छा जूम आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना दूर है वो, नॉर्मली आप उसको कितना पास तक ला सकते हैं जूम करके। सो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा और पिक्चर का क्वालिटी भी एकदम ऑसम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम ले सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस एकदम सामने ये आ गया, काफ़ी अच्छा जूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा जूम। और मैं आपको पिक्चर्स भी लेके दिखाता हूँ कि जो पिक्स है वो किस हद तक कितना अच्छा क्वालिटी है पिक्चर का, तो वो भी काफ़ी ऑसम है, मैं आपको दिखा दूँगा। आप देख सकते हो वीडियो का क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है। ये फ्लावर्स का मैं ले रहा हूँ वीडियो, आप देख सकते हैं। जूम का तो मैं फ़ैन हो गया, काफ़ी अच्छा जूम यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस आई होप आपको ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप इसको इजीली परचेस कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये काफ़ी अच्छा प्राइस में ऑनलाइन या ऑफलाइन लगभग सेम ही पड़ेगा, 200-250 का थोड़ा डिफरेंस पड़ सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये 7,200 रुपया में, आपको ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, 7,000
के आसपास में ये मिल जाएगा, अवेलेबल है। सो गाइज इसको आप ले सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इजिली परचेज कर सकते हैं।